जी नाम बताएं अपना, क्या पूरा नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम शाहिद बख्श है, मैं इंडिया में यूपी बरेली से बात कर रहा हूँ। शाहिद बख्श बरेली से कॉल कर रहे हैं। शाहिद बख्श, किस बारे में बात करनी है आपको? सर जो आपको डॉक्यूमेंट भेजे, ये मेरे को कनाडा की तरफ से आया था सर, कि इसको फिल करके मेरे को रिटर्न कीजिए। ये जो जॉब आपने भेजा है, ये जो एम्प्लॉयमेंट सॉरी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये लिखा है जॉब एग्रीमेंट लेटर, ये जो आपने डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा है, हाँ जी सर, इसमें लिखा है कि आपको तनख्वाह मिलेगी $7,000, वो भी यूएस डॉलर मंथली, और $500 वीकली, वो पता नहीं किस बात की, आपको अकोमोडेशन मिलेगी वगैरह वगैरह, काफ़ी बहुत बड़ा लिखा है। माइकल आर पोम्पियो, फॉरेन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। माइकल आर पोम्पियो तो वो हैं वहाँ के अमेरिका के, वो वजीर हाँ माइकल विदेश मंत्री, अमेरिका के वजीर खारजा है भाई साहब, वो तो विदेश मंत्री जिसको कहते हैं वहां पर है, वो यहाँ पर कनाडा का क्या लेना देना इनका, ये तो जॉब जॉब ऑफर ही सारा नकली है भाई साहब। अच्छा सर, और ये जो तो एक जॉब दूसरे ये जो लेटर बनाया है सारा, ये जॉब लेटर ही सारा नकली है। आप बताएं क्या क्या चक्कर है आपका? सर, ये उसने बोला मेरे को फ्लिप करके वापस भेज दो, उसको भर के वापस भेज दिया सर मैंने। किसने बोला, नाम बताएं, कौन बोला, किसने बोला, पहले वो बताएं ना। वो मोहम्मद इमरान नाम है सर उसका। मोहम्मद इमरान नाम है, और उन्होंने आपको बोला कि इसको आप जॉब लेटर को भर के भेजें, तो हाँ जी सर, भाई साहब ये तो मेरे को कुछ दाल में काला लग रहा है। ये सब क्या है, सब कौन है, ये कहाँ से मिल गया आपको ये भाई? ये एक कनाडा का ही है सर, पीसीएल कंपनी का हायर मैनेजर। भाई पीसीएल कंपनी को तो आपने ऐसा छोटा मोटा समझ लिया क्या है, यहाँ पर कोई लघु उद्योग समझ लिया कि वो हायरिंग मैनेजर है, आपने उससे कांटेक्ट किया और उसने आपको लेटर दे दिया, ऐसे ही ये सब धोखा है। ये जो जो लेटर आपने दिखाया है, जो देख रहे हैं हम इसको स्क्रीन पर बताया है, ये नकली है। और एक और आपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये हाँ पीसीएल का बिल्कुल आपने आ रहा है, बिल्कुल पीसीएल एनर्जी टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो लोगो चिपका दिया उन्होंने कहीं से, और ये नीचे लिखा है डैट मोड, या माय गॉड लुक एट दिस, ये सब सारा नकली है। तो ये तो सब सब नकली कागज है। आप बताए कोई असली कागज है दिखाने के लिए कि नहीं हमारे पास, यहाँ सर, तो सब यही मेरे को उसने भेजा। तो ये तो ब्रदर नकली है सब। आप बताएं मैं अच्छा सर, आपके लिए क्या करूं, आप ये तो सब ये डॉक्यूमेंट सारा नकली है। उसने मेरे को आईडी भी अपना भेजा, आप उसकी आईडी भी चेक कर लो, मैंने आपको भेजा है उसकी आईडी। यार मेरे को आईडी क्या करूंगा चेक करके, मैं आईडी के पीछे कहाँ जाऊंगा, मेरे को तो अभी वो कुकर में चावल पड़े हैं, एक दाना उठाया एक दाना ही नकली है, सारे चावल नकली होंगे, अब क्या करेंगे सबकी आईडी चेक करके। हाँ सर, ये भी बात कर रहे हो, उसने फोटो भी भेजे अपने सर। फोटो बगाने को यार बहुत, ये आपको मिले कहाँ से, कौन से चैनल पे मिल गया, कहाँ से मिल गया आपको ये? सर ये एक्चुअली सोशल मीडिया से मिला था नंबर उसका। सोशल मीडिया से बहुत नंबर चल रहे हैं भाई, ये सब घर में बैठे बैठे कोई ऐसा कोई जॉब ऑफर बना लेते हैं मेरे ख्याल, और वो आपको ये कह रहे हैं कि हम कनाडा से बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, आपने फॉर्म भरा हुआ है। इंग्लिश में ही बात कर रहा है सर, बोलता है हिंदी बिल्कुल भी अरे नहीं आती। इंग्लिश में, इंग्लिश में तो इंडिया में बहुत इंग्लिश बोलने वाले 30 मार्क हाँ बहुत हैं भाई साहब। और आपने ये फॉर्म आपने भरा है क्या, ये शाहिद बख्श और ये डिस्ट्रिक्ट हाँ जी पीलीभीत हाँ जी हाँ सर, शिवनगर है जी, हाँ जी बिल्कुल, पीलीभीत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके इंडियन नेशनलिटी, ये नंबर 13 क्या लिखा है आपने, डी यू हैव C1D1 वीज़ा, आपने ये लिखा है क्या? ना ओनली वीजा लिखा है सर। ये कहाँ से यार, ये सब नकली है भाई साहब, बहुत नकली है, हास्यप्रद है इसको, ये कहते हैं इसको, ये तो मजाक बहुत बड़ा किया किसने। पैसे कितने मांग रहे हैं वो आपसे? ओ सर, 15,000 रुपये मांग रहा है, बोलता है कि उसका फीस देना पड़ेगा सर एम्बेसी का। 15,000 फीस देना पड़ेगा, तो वो अभी कहाँ देना है उसको पैसा, कहाँ बैठा है वो? वो बोलता है मैं तो कनाडा में हूँ, उसने नंबर SBI इंडिया का ही दिया है मेरे को। बैठा कनाडा में है लेकिन नंबर इंडिया का दिया है। हाँ हाँ जी सर, तो पैसे देने उसके इंडिया में जाना पड़ेगा पैसे देने? नहीं इंडिया में तो मैं हूँ ऑलरेडी, मैं इंडिया में उसके अकाउंट में पैसा डालने के लिए वो बोल रहा है सर। नहीं अकाउंट में तो कहीं और होगा वो आदमी, अकाउंट में पैसा ही डालना है, कोई आदमी मिलेगा नहीं इंडिया में आपको उसके लिए बात करने के लिए? सर वो ऐसा नहीं बोला, बोलता है कि पैसे आप डाल दो अकाउंट में, ऐसा बोल रहा है। तो आप क्या करने वाले हो भाई साहब फिर, आपको मेरे कॉल करने से पहले आप क्या करने वाले थे अब? मैं सर कुछ करने वाला नहीं था, मैंने सोचा पहले आपके YouTube पे वीडियो देखा, तो सोचा सर आप सर से बात करके ही आज ये डिसीजन लूंगा जो भी लूंगा।
मेरा ख्याल है कि जब से मैं 2-3 साल से ये बात कर रहा हूँ लोगों से, आप जैसे लोगों से, पता नहीं कितने कितने दर्जनों लोग ऐसे बच गए फ्रॉड से, नहीं तो उनको पैसा चला जाता। जैसे आपसे 15,000, किसी से 40,000, किसी से 75,000। मेरे पास ऐसे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपए दे चुके हैं और वो उसके बाद अकाउंट बंद हो जाता है और आदमी गायब हो जाता है। तो ये सब नकली है भाई साहब, पैसे बचा के रखें। सर्दी बहुत हो रही है, कोहरा बहुत चल रहा है, आराम से कुछ जैकेट जुकेट ले, 15,000 की आराम से बैठे आराम घर में। नहीं, वो तो बात ठीक है सर, बट मैंने आपसे जानकारी इसीलिए ली है कि ये बंदा सही है या गलत है। बोल तो वो तो बोलता है सर आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, ये है वो है, बहुत सारी बातें बता रहा था। बंदे को हम देख के क्या करेंगे, सब उसका कागज जो उसकी जो काली करतूतें सामने आ रही हैं, तो हम बंदे को क्या देखेंगे शक्ल? ये सब कुछ वैसे ही नकली है, कागज ही नकली है, बंदे पर जाने तक की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अच्छा ये सब नकली है, उसको आप पकड़े कहाँ है वो, जो कहाँ बैठा है, कनाडा में है, कहाँ पर है, कौन सी कंट्री है, तो उसका पता लगाएं कि वो बैठा कहाँ पर है, उसके मिलके आए, उसके जगह के आए कौन है। अच्छा सर, वो तो बोलता मैं कनाडा में हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकता ना, ऐसा अरे तो बोल रहा है। हम मिल लेंगे यार कनाडा में, कोई यहाँ से, कोई मार्स से, कोई अंतरिक्ष से लोग आएंगे क्या मिलने? कनाडा में कोई ना कोई तो मिल रहा, कोई आदमी जिंदा होगा वहां मिल लेगा, बताओ हम मिल लेते हैं उसे, बताओ। ओके सर, कोई सुनिए, मैं उसको साथ ही बात करेगा, अगर वो मानना है तो ठीक है, नहीं तो फिर खलास छोड़ देगा। आपकी मर्जी है, अगर आपको 15,000 रुपये अगर अंधे कुएं में डालने हैं तो डाल दो, आप आपकी मर्जी है। नहीं सर, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप अच्छी जानकारी देते हो हर आदमी को, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है आपकी सर, इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया इसका एक सर। अभी कल परसों भी कोई कोई कॉल कर रहा था गोरखपुर से, कुशीनगर से शायद, तो वहां के लोग भी फंस रहे हैं, सब जने फंस रहे हैं, लपेट रहे हैं सब, जाल फेंका हुआ, मच्छी कहीं ना कहीं तो फंसेगी। अगर कम से कम आप सोचो कि 15,000 भी कमाई हो गई, अगर दिन में अगर एक मच्छी भी फंस गई, 10-15 को जॉब ऑफर दिया, एक ने भी 15,000 दे दिया, 15,000 उसके मिल गया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ पे ये पीसीएल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने नेट पे सोचा, जैसे अपने इधर है रिलायंस टाटा, इस टाइप की वो कंपनी है सर, जी बढ़िया, लगभग हाँ लगभग 4,400 वर्कर भी उसमें काम कर रहे हैं लोग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है ना सर। सही कहा। हाँ जी सर, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन सर ये कंपनी हायर तो करती होगी ना बंदूक को सर। हायर करती है, वहीं से करती है, लोकल, बाहर से, इंडिया से नहीं करने जाती, लोकल यहीं से हायर करती है। अच्छा लोकल, तो सर मतलब यहाँ से इंडिया का कोई बंदा जाना चाहे तो कनाडा नहीं पहुंच सकता पहुंच जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, जॉब मिल जाएगी तो पहुंच जाएगा। अब जॉब कैसे मिलेगी, किस्मत कब चमकेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर। अच्छा सर, क्योंकि सर वो ये बोल रहा 2 हफ्ते के अंदर, उसने मेरे को वीडियो भी बहुत सारे भेजे जो बंदों को उसने हायर किया है सर, वीजा भी दिखाया है, पंजाब की बहुत सारे लड़का लड़कियां हैं सर। बकवास कर रहे हैं वो सब, बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं है सब। अगर उसमें इतना गुर्दा है, इतना दम है, तो उसे कहना सामने आए, अपना बताए कौन असली चेहरा, बताए कौन है, कहाँ पर है उससे। अगर कनाडा में कहीं पर है तो उससे मिल के आए उससे जाके। अच्छा कनाडा में अगर सर वो बोलेगा मैं यहाँ पे रहता हूँ तो आपको मैं देगा कांटेक्ट, तो आप करोगे उसके साथ? सर जी, मैं पहली बात यह है कि मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं हूं कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, मेरी मर्जी है, मैं जाऊं या ना जाऊं, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी मैंने आपको सब इतना बता दिया कि ये नकली है, बाकी अगर मेरे को लगेगा कि वो आदमी उससे मिलने लायक है या फोन से बात करने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरे को मजबूर नहीं कर सकते कि मैं उससे जाके मिल के आऊं। नहीं, सर आई रिस्पेक्ट यू सर, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों के गुलाम हो, या मैंने आपको ऐसे कहा कि मेरे हुक्म को बजाओ, ऐसा जी कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ सर जी आपसे, जी ठीक है, मैं आई यू रिस्पेक्ट सर, आपने जी बात की इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, लेकिन सर मतलब आप जब आप बात ही कर ली है आपने मेरे से, तो आप थोड़ा जो है तो मुझे वो जो रिकॉर्ड हो। नहीं, उसको उसको अगर उसका कोई फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो आप कोई पूरे कनाडा में कहीं पर भी फ़ोन नंबर एड्रेस है, हम उसको पता करवा लेंगे कौन है, अगर है तो। मेरे को लगता है कि 99.9% वो बंदा यहाँ पर कनाडा में नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया में छुपा बैठा हुआ, अपने आप को कनाडा कह रहा है। अच्छा सर, लेकिन नंबर तो कनाडा ही शो कर रहा है उसका सर। नंबर तो क्या है, नंबर तो क्या, आप बैठे बैठे आप भी ले लो, आपको भी नंबर मिल सकता है कनाडा का, आप भी घर बरेली में बैठे बैठे कनाडा का, अमेरिका नंबर आप अभी आपको ऑनलाइन आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, लेकिन चलो कोई नहीं, आप ये बोल रहे कि ऑनलाइन कर सकते, लेकिन वो कनाडा का नंबर लगेगा तो ना सर, इधर से कॉल करेगा उस नंबर पे।
ये तो आप लगा पक्का के होगा देखो, ना सर। आप लगा के देखो वो, आप अगर आप, मैं मेरा दावा है कि अगर आप नंबर लगाओगे तो लगेगा नहीं, आप करके देख लो। क्या नंबर है आपके पास? नंबर है? मैं अभी अभी डायल कर लेता हूँ। सर होगा मेरे पास, मैं जरा स्क्रीन को वैसे करके देखता हूँ। हाँ देखो 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 सर देखो क्या होता है। +1 सर, हाँ जी, +1 आगे। हाँ 1 मिनट सर, वेट थोड़ा सा प्लीज। +681 681 जी 494 0169 69। ये नंबर सही लग रहा है। अभी देखते हैं, आपके सामने डायल कर आप लिया, देखते देखिए हैं कैसे आवाज आती है। ये नंबर कनाडा का नंबर है ही नहीं पहली बात। अच्छा चेक कर लीजिए सर आप मेरे को। ये कोई वॉइसमेल नंबर, कोई ऐसे परमानेंट ऑनलाइन नंबर है किसी का? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर जो हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने हिसाब कर सकते हैं। एरिया कोड है 618-494-0169। आई रिपीट, सिक्स सॉरी 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 681-681-494-0169। ये नंबर कनाडा का नंबर नहीं है, ये अमेरिका का नंबर है और ये स्टेट ऑफ वर्जीनिया का नंबर है। तो इससे अच्छा पता लग गई कि भाई ये जो आपको कनाडा का नंबर बता के आपको इधर उधर बहका रहे हैं, वो नंबर ही कनाडा का नहीं है। तो कनाडा का नंबर किससे स्टार्ट होता है सर? +1 से ही होता है ना सर? होता है +1 से, एरिया कोड बहुत अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग शहर के, लेकिन ये जो नंबर आपने दिया है ये कनाडा का नंबर नहीं है। सर कनाडा में जो जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट का मतलब 9+9 से ही स्टार्ट होता है अपने भारत का कोड, तो वहां पे क्या मतलब स्टेट बाय स्टेट अलग होता है कोड? सर जी, अब इसके बारे में मैं आपको क्या थ्योरी बताऊं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं फोन का, लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं कि ये नंबर कनाडा का नहीं है, ये नंबर है अमेरिका का, और ये नंबर है नॉर्थ कैरोलिना का नंबर है या वेस्ट वर्जीनिया का नंबर है, जो इनिशियली इशू हुआ होगा वहाँ की उसकी एक्सचेंज में। बाकी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं वो नंबर उठा उठा के बेचती हैं किसी को, है वो करती हैं, तो आई के नॉट से कि किसके पास होना चाहिए भी है, लेकिन ये 100% इसमें गारंटी के साथ ये नंबर कनाडा का नंबर नहीं है। अच्छा कनाडा का नंबर नहीं। ओके ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू बस, थैंक यू, टेक केयर। हो सकता है कि अभी बात आपसे कर रहे हैं कि आपको देखकर, आपकी बात सुनकर और भी बरेली के लोग जो फंसे हैं वो भी शायद बच जाएं 15-15 हज़ार देने से, लेकिन मेरे को पता है कि आज आपकी बात देखने के बाद भी कई लोग फिर भी किसी न किसी एजेंट के झांसे में फंस जाएंगे और पैसे गंवा बैठेंगे और फिर मेरे को कॉल करेंगे कि जी मेरे पैसे डूब गए। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर, शाहिद बख्श। ओके सर, थैंक यू सो मच।